गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। पिताजी मेरे काफ़ी मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं काम में। सुबह गए थे दरांती लेकर और अभी लौटे हैं। देखिए फ्रेंड्स, माताजी पिताजी ये सब लगे रहते हैं। अभी पिताजी चारा लाए थे और अब इंजन से मशीन चलाकर कूट रहे हैं जानवरों के लिए। पहले घास लाते थे और अब घास लाना लगभग बंद हो चुके हैं क्योंकि खेत में अब ज्वार काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो अब घास लाने की ज़रूरत नहीं है। और जब पहले दिन मैं आया था तब दादाजी घास लाए थे, कह रहे थे कि ज्वार अभी छोटी है, धीरे चलाओ भाभी, धीरे, ज़्यादा तेज नहीं, आराम से चलाओ, रेस मीडियम रखा करो, मीडियम। फ्रेंड्स, मेरी बड़ी भाभी जी और माताजी पिताजी आप देख सकते हैं सारे दिन ऐसे ही लगे रहते हैं, पूरा कोल्हू के बैल की तरह। मेरा जोश बढ़ता है इन्हें देखकर, लगता है काश ये इतनी मेहनत करते हैं, क्यों ना मैं भी करूं, पूरा मन लगाकर। फ्रेंड्स, मैं जहां भी रहता हूं बस इन्हीं की वजह से लगा रहता हूं कि मेरे बुजुर्ग इतना मेहनत करते हैं, तो मैं जहां भी हूं, जिस क्षेत्र में भी हूं, पूरी दिल कसी से काम करूंगा, ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाऊंगा। और यही कारण है कि आप सबका प्यार मुझे मिल रहा है। साथियों, ये सब मेहनत का फल है, मेरी ईमानदारी का फल है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर हमें आगे बढ़ना है, अपनों का प्यार लेना है, तो बस ईमानदारी से काम करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। दादाजी की जमकर सेवा, ये है मेरी रानी बेटी यशिका, वेरी नाइस। ये बैठे हैं यशिका के प्यारे दादाजी। ये यशिका बता रही है, यशिका क्या बता रही है दादाजी को? बाबा ऐसे खा नहीं पाते हैं, डुबो डुबो के खा ले। अच्छा अच्छा, यानी टोस्ट टाइट है, दादाजी के दांत नहीं है बिल्कुल, तो वो चाय में डुबो कर खाएं, यही कह के गई है यशिका। और अब देने जा रही है यशिका चाय अपनी मम्मी को। एक्चुअली आरती बीमार हो गई, ताजमहल और लाल किला घूमा, तो उसके चक्कर में उल्टी होने लगी आरती को। रात 12 बजे आरती को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। ये देखिए, इसलिए लेटी है इतनी लेट तक। ये इसका चाय दे रही है, आरती चाय पी लो, थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, कल कुछ खाया भी नहीं है, चाय ले लो हल्की सी, ठीक है, टोस्ट के साथ। आरती चाय ले लो बेटा, आराम मिलेगा इससे। दादाजी सलाह दे रहे हैं हर्षित को कि बर्तन ले जाओ और दही खाया करो। ये दादाजी की सलाह, देखिए पहले के लोग दूध दही घी बहुत खाते थे, यही कारण है कि दादाजी ने लगा दी सेंचुरी। ये हमारा नल है, यहाँ से हर्षित यशिका पानी भर भर के यूज करते, नहाते धोते। और इधर देखिए फ्रेंड्स, सम्मानित दर्शक कृपया इधर अपना ध्यान आकर्षित करें, हर्षित यशिका की जमकर मस्ती, ये रहा। ये ऊपर फेस करो हर्षित, नहीं शर्माते नहीं है बाबू, अभी तो समर वैकेशन चल रहा है, कुछ गलत थोड़ा ही है इसमें। अरे वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, एंड क्लिप वाइल यू क्लिप, स्टडी वाइल यू स्टडी, पढ़ने के समय पढ़ो, खेलने के समय जम कर खेलो, ठीक है बाबू? बिल्कुल सही, समर वैकेशन का एकदम सुंदर फायदा हर्षित यशिका उठाते हुए। अच्छा एक बार इंट्रोड्यूस करा दो, क्या क्या बना रहे हो? बना रहे हैं मूर्ति। अरे ऊपर फेस करके बताओ। हम बना रहे हैं मूर्ति। और सुनो, सबसे पहले अपने सभी सम्मानित दर्शकों को नमस्ते जी। नमस्ते जी, लेकिन
आपके हमारे हाथ गंदे तो कोई बात नहीं, बस हाथ जोड़कर परिवार का अभिवादन, उसके बाद सारे काम, क्योंकि परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता। यश का बेटी क्या बना रही हो? घर। और हर्षित तुम तो शिवलिंग बना रहे हो। हर्षित बना रहा है शिवलिंग, दिखा दूं आपको, ये देखिए, बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े आनंदमय ढंग से यशिका बना रही है घर और हर्षित बना रहे हैं शिवलिंग। और इधर हर्षित यशिका पीने लगे मट्ठा। हर्षित कैसा लग रहा है मट्ठा? लोनी वाला है। खट्टा लग रहा है? खट्टा या अच्छा? खट्टा अच्छा दोनों लग रहा है। अच्छा, खट्टा भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। चलो पी जाओ। ये बंदर हैं हमारे घर में, बंदर नहीं है, दो बंदर। और ये देखिए बंदरों जैसे काम, एक चारपाई पर और एक नीचे, दादी माँ के साथ मट्ठा पीते हुए। हर्षित और यशिका हेल्प करा रहे दादी और दादा की। देखिए क्या कर रहे हो बच्चे, आराम से, धक्का मार रही है। ना धक्का मुक्की ना करो बेटा, काम सीखो, काम के तरीके सीखो, बुजुर्गों से अनुभव लो। भैया बुजुर्गों से सीखा करो, छुट्टियों को इस्तेमाल करो, धीरे धीरे नॉलेज बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, अनुभव बढ़ते हैं। आराम से बेटा। ये देखिए भाई, ये सीख तो रहे हैं लेकिन अपने अंदाज में, मौज मस्ती के साथ, लगन से नहीं सीखते बच्चे, ये अपना एंजॉयमेंट करते करते सीखना चाह रहे हैं। हर्षित थोड़ा मैच्योर है, कुछ नॉलेज ज़्यादा है। नहीं, यश का बेटी को भी नॉलेज ज़्यादा है। अरे ज़्यादा है बेटा तुम्हारे अंदर भी। ये देखो भाई, मैं इस गोबर में सीखूं? नहीं, वो तो अभी वो होगा ना, लिपाई होगी। मम्मी परेशान है, मम्मी सही हो जाए तुम्हारी, फिर थोड़ा लिपाई होगी आंगन की। फ्रेंड्स देखिए, आरती आज सारे दिन परेशान रही है, रात भर उल्टी आई और अभी भी काफ़ी परेशान है। दिन में डॉक्टर आए, मैं तो चला गया मार्केट पिताजी के साथ। काफ़ी तेज आंधी आ चुकी है और इधर आरती सारे दिन आज रेस्ट करती रही है, काफ़ी परेशान रही, उठ नहीं पाई, रात भर उल्टी हुई, पता नहीं क्या हो गया। ताजमहल लाल किला घूम के, आरती ताजमहल और लाल किला घूम के क्या हो गया, इतनी थकान हो गई तुम्हें? है धूप लग गई, धूप लग गई भाई, गर्मी ज़्यादा थी। और आरती ने बहुत मेहनत की, ताजमहल देखने के बाद मम्मी और पिताजी हाथ खड़े कर दिए, भतीजा और उसकी बहू, सारे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, बोला हम अब लाल किला नहीं घूमेंगे। लेकिन आरती ने बच्चों के लिए हाथ खड़े नहीं किए और बच्चों की इच्छा पूरी करने के लिए लाल किला भी घूमा और बदले में मिला उल्टियों जैसी बीमारी। कोई बात नहीं, डॉक्टर से दवा दिला दी, रात भी दिला लाए थे और दिन में भी डॉक्टर आए थे। मैं तो चला गया था पिताजी के साथ मार्केट से, टीन सेट खरीदा था आज। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ टीन सेट खरीदा है हम लोगों ने, पिताजी ने और मैंने, आज दिन में लाए मार्केट से। और इधर एक डोर लाए खरीद के, आइए आज अपने परिवार के सदस्यों को पूरा दिखा दूं भाई।
देखिए फ्रेंड्स, ये वाला डोर दिन में हम गए लगभग 14,500 का। फ्रेंड्स हमारा ये वाला डोर लकड़ी का है और ये बारिश से ख़राब हो चुका है, तो हम इसको मिस्त्री जी से यहाँ सेट करा देंगे। और इधर देखिए फ्रेंड्स, दिन में जो बच्चे मेहनत किए अपना बनाए आइटम, तो देख लीजिए भाई किसका क्या क्या बना है। अभी ये पूरा नहीं बना, इन पार्ट्स को अभी जोड़ना है बस। अच्छा अच्छा, यशिका ने बनाया है प्यारा सा सुंदर सा घर और हर्षित ने बनाई है शिवलिंग, जो जुड़ी भगवान भोले शंकर का प्रतीक, बहुत सुंदर। ये देखिए भाई बच्चों का खेल खेल में भगवान का प्रतीक भोले शंकर का शिवलिंग, बहुत सुंदर। शाबाश हर्षित, थैंक यू वेरी मच। अरे ऐसे ही बेहतरीन चीजें बनाते रहो। और यशका ने बनाया है प्यारा सा घर।